जीवन हमारे अनुसार चलने वाली, जीवन हमारे अनुसार चलने वाली नहीं, एक ही चीज है जो हमारे अनुसार चल सकती है, एक ही चीज है जो हमारे अनुसार चल सकता है, वो कौन? हमारा मन। और उस एक ही चीज के लिए हमने कह दिया ये मेरे अनुसार नहीं है, बाकी सबको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मन के लिए कोई बोले, बोले नहीं नहीं वो मेरे माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाकी आपको मुझे कंट्रोल करना है। इट्स लाइक सेइंग मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, लेकिन आपका बच्चा मेरा कहना माने और अच्छे से बिहेव करे। सो सेकेंड इक्वेशन चेंज, मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ क्या है? माई थॉट। फोन बजे ना बजे, नॉट इन माई कंट्रोल, लेकिन फोन बजे तो मैं क्या सोचूं, इन माई कंट्रोल। अब जब फोन बजे, हम कौन सी राइट थॉट क्रिएट कर सकते हैं? अब राइट थॉट क्रिएट करनी है, थिंक राइट करना है हर परिस्थिति में। अभी तो सिर्फ फोन है, अभी तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं जीवन में। फोन बजे, क्या राइट थॉट क्रिएट कर सकते हैं? शायद भूल गए होंगे। हाँ जी, मे बी समथिंग अर्जेंट। और कुछ कंपैशन की थॉट्स अच्छी वाली? हाँ जी, हाँ जी, नाइस रिंग टोन। हाँ वेरी अच्छा, आता नहीं है साइलेंट होना। देखो कितनी कंपैशन है हमारे अंदर दूसरों के लिए, दिस इज कंपैशन। अब हम शिफ्ट हो गए इरिटेशन से कंपैशन की तरफ। इंस्टेड ऑफ सेइंग कैसे लोग हैं, बोलने पर भी फोन साइलेंट नहीं करते, वी शिफ्टेड टू कोई बात नहीं, भूल गए, आता नहीं होगा कुछ। एनर्जी चेंज, फोन नहीं चेंज हुआ, रिंगटोन नहीं चेंज हुआ, वो नहीं चेंज हुए, बात नहीं बदली, हम चेंज हो गए। कौन सा ज्यादा इजी है, कि दुनिया फोन बंद करे या हम अपनी सोच बदलें? कौन सा ज्यादा इजी है? बस। और अगर एक फोन में अपनी सोच बदल ली ना, तो वही इक्वेशन हर सीन में जाएगी, हर सीन में जाएगी। ये सिर्फ एक इक्वेशन है कि मेरी सोच बात पर डिपेंडेंट नहीं है। फिर जब मेरे मन ने मेरे अनुसार सोचना सीख लिया ना, फिर वो जीवन की हर बात में मेरे अनुसार ही सोचेगा। और अगर मेरे मन ने गुलाम होना सीख लिया ना, तो फिर वो हर सिचुएशन में गुलाम ही रहेगा। अब हमें गुलाम बनना है या स्वराज्य बनना है? स्वराज्य बनना है या गुलाम बनना है? स्वराज्य, स्व पर राज्य। जब मन पर संयम खोता है, उसके बाद शब्दों पर संयम खो जाते हैं। कहते हैं मेरे मुंह से बात, किस किस के यहां मुंह से बात निकल जाती है कभी कभी। हम कहते हैं ना, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से इट, मेरे मुंह से बात निकल गई। ऐसा किसी को बोलना मतलब उनको बताना कि मेरा मेरे ऊपर कोई, इसलिए कभी नहीं बोलना किसी को। गलत भी बोल दिया ना, तो बोलना हाँ मैंने बोला, मैंने बोला, एटलीस्ट पावर तो अपने पास रखो ना। लेकिन किसी को बोला मेरे मुंह से बात निकल गई, पहले मन कंट्रोल में नहीं रहता, उसके बाद मुंह से बात निकल जाती है, फिर उसके बाद हाथ उठ जाते हैं। सो इट्स फर्स्ट द माइंड, देन द वर्ड्स, एंड देन द बिहेवियर। कंप्लीटली लूजिंग कंट्रोल ओवर द सेल्फ। एक बार माइंड पे करना शुरू कर दिया, तो शब्दों पे, हाथों पे, व्यवहार पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मन पर कर लिया। राइट? तो मेरा मन किसका है? मेरा मन किसका है? मेरा है। वो मेरा हर कहना, अगर आप अपने बच्चे को रोज बोलो ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता, तो उसका कहना मानने के चांसेस। अब अगर उसको रोज बोलो बड़ा प्यारा बच्चा है, मेरा हर कहना मानता है, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा हर कहना मानता है, तो उसका कहना मानने के चांसेस। कुछ सालों से हमने एज अ सोसाइटी अपने मन के बारे में बड़ी क्रिटिकल बातें बोली हैं। मन तो एक घोड़ा है, मन तो एक चंचल है, मन तो ये है, मन तो वो है, उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं अपने माइंड को कि हमारे माइंड ने भी कहा ठीक है फिर जो करना करो, मैं नहीं मानता तुम्हारा, क्योंकि इतना कुछ बोल देते हैं उसके लिए। मन तो मेरा है, एक ही चीज है। अगर आप कभी भी साक्षी होकर देखना,
एक ही चीज है जो किसी और फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। इवन हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो कहीं से आ रहा है, हम जो हवा ले रहे हैं उस पर किसी और का प्रभाव है, हम जो पानी पी रहे हैं उस पर किसी और। इवन आवर बॉडी इज डिपेंडेंट अ लिटिल बिट आउटसाइड, बाकी सब चीज़ें तो डिपेंडेंट ही हैं बहुत चीज़ों पर। एक ही चीज़ है, एक मन, जो किसी और फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर इस दुनिया में कोई एक चीज है जो पूरी तरह से मेरी है, वो है मेरा मन। आज से उस मन के साथ रिश्ता रिश्ता क्या करना शुरू करो, प्यारा वाला रिश्ता बनाओ, उसको प्यार करो, उससे अच्छा बात करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको मोटिवेट करो। एक ही है जो इस समय साथ देगा, एक ही है जो इस समय साथ देगा, बाकी तो अब पता नहीं चलता कौन साथ देगा, कौन कल बदल जाएगा, लेकिन एक ही है जो साथ देगा, वो है मेरा मन। रेडी टू मेक फ्रेंड्स, रेडी टू मेक फ्रेंड्स, यस। तो आज से अपने मन के लिए कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना कभी। मेरा मन मेरा हर कहना, बोलिए मेरा मन मेरा हर कहना, इसको रोज बोलिएगा। ये है हमारे जीवन के मंत्र जो रोज बोलने हैं, कि जिस मंत्र को रोज बोलेंगे ना वो सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा पहला मंत्र आज का, मेरा मन मेरा हर कहना, पक्का पक्का पक्का। दूसरा, जो भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम कभी भी उंगली कहीं और नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन कही है, मेरा मन मेरा कहना मानता है। अब अगर किसी भी बात होने पर मैंने यहाँ पर कोई चिंता की थॉट क्रिएट की, कोई टेंशन की क्रिएट की, कोई गुस्से की कर दी, उसके बाद जिम्मेवारी लेनी है कि ये गुस्सा किसने क्रिएट किया, ये गुस्सा किसने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया, ये चिंता किसने क्रिएट की, मैंने की, ये डर किसने क्रिएट किया, मैंने किया, ये हर्ट किसने क्रिएट किया, मैंने किया। ये नहीं कहना उन्होंने मुझे हर्ट किया, क्योंकि ये कहने से फिर हम पावर किसको दे रहे हैं, ये कहने से फिर हम पावर किसको दे रहे हैं, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे इरिटेट किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया। सुबह खिड़की खोलते हैं, मौसम थोड़ा सा ऐसे कहता है, मौसम कितना डिप्रेसिव है, मतलब मौसम ने मुझे डिप्रेस किया। बिजनेस में ऊपर नीचे, बिजनेस की वजह से मुझे टेंशन है, ये सारी वोकैबुलरी रॉन्ग, ये सारी वोकैबुलरी हमें फिर गुलाम बना रही है किसी ना किसी चीज का। बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ वो मेरे कंट्रोल में, बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं, मन में जो हुआ वो कंप्लीटली किसकी चॉइस है, मेरी। सो वी आर नेवर गोइंग टू से इसकी वजह से। ये कहने से हमारी पावर क्या होती जाती है, हमारी पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अगर हम कहेंगे ये मैंने क्रिएट किया। क्योंकि अगर मैंने क्रिएट किया तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास चॉइस है क्या क्रिएट करना है, लेकिन अगर मैंने कहा उनकी वजह से मैंने ऐसा किया, तो हमने हर बार वैसा ही इरिटेशन क्रिएट करना है। आपके शहर में ट्रैफिक जाम होता है कभी? अच्छा, आपके शहर में कभी कोई गलत तरीके से सड़क पे चलाता है, स्कूटर या साइकिल या गाड़ी कभी चलाते हैं? अच्छा, वो बहुत होते हैं, अच्छा ठीक है, वो बहुत होते हैं। अब जब कोई गलत तरीके से चलाएगा, जब कोई बहुत नज़दीक से ऐसा ओवरटेक करके चला जाएगा, जब कोई पीछे से चार बार हॉर्न ज़्यादा बजा देगा, तो इरिटेट होना, इरिटेट होना हर सिचुएशन, हर सिचुएशन, हर दोनों में से कौन सी चीज़ नॉर्मल है? उनका चलाना इस तरह से नॉर्मल है, हॉल में फोन बजना नॉर्मल है, कोई भी किसी तरह भूल सकता है, लेकिन यहाँ क्रिएट क्या करना, वो मेरी चॉइस है। अब अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी इरिटेट हुए, तो आपने ये नहीं कहना उन्होंने गाड़ी ऐसे चलाई तो मैं इरिटेट हुआ, हमने कहा ना उन्होंने गाड़ी ऐसी चलाई, फुल स्टॉप। लेकिन इरिटेट में क्यों हुआ, मेरी वजह से। और नेक्स्ट टाइम मैंने पूरी जर्नी क्रॉस कर लेनी है बिल्कुल स्थिरता के साथ,
मन सीख जाएगा। इस मन को तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना है। अच्छा, अगली बार से कहीं भी फोन बजे तो आप इरिटेट हुए बिना बैठ सकते हैं ना, है ना, क्योंकि हमने वो चार थॉट्स क्रिएट कर लिए ना। कौन सी वाली चार थॉट्स थी? भूल सकते हैं, और भूल सकते हैं, और कोई अर्जेंट काम था, तीसरा साइलेंट करना आता नहीं, चौथा जो आपने बताया नहीं वो ये है कि साइलेंट नहीं करना उनकी चॉइस है। कुछ लोगों को साइलेंट करना आता है, अर्जेंट काम कोई था नहीं और भूले भी वो थे नहीं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीवन में होगा ऐसा, लेकिन फिर भी उसको साइलेंट करना है कि नहीं करना वो सामने वाले की चॉइस है। तो कंपैशन को उस लेवल पर लेके जाना पड़ेगा कि वो उनकी चॉइस है और मेरे पास फिर भी चॉइस है कि मुझे कैसे रहना है। जब हम इस तरह से अपनी तैयारी करनी शुरू करेंगे तो हमारे मन की स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट, दिस इज इमोशनल इंडिपेंडेंस। अभी हम इस टाइम इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हुए हुए हैं कि हमारी इमोशन किस पर डिपेंडेंट हो गई है? परिस्थिति पर। वो परिस्थिति है, परिस्थिति मतलब पर स्थिति, किसी और की स्थिति। ये स्वस्थिति है, ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति। तो स्वस्थिति परिस्थिति पर डिपेंडेंट, स्वस्थिति परिस्थिति पर डिपेंडेंट। ये दिन में जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि ये बहुत जन्मों का संस्कार बना हुआ है कि मेरे मन की स्थिति उस पर डिपेंडेंट है। अब परिस्थिति एक ट्रैफिक जैम हो, परिस्थिति एक फोन का रिंगटोन हो, या अब परिस्थिति कोई भी हो जीवन के अंदर, इक्वेशन सेम रहेगी। क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जब हम मन स्थिर नहीं रह सकता है? कोई ऐसी परिस्थिति लगती है जीवन में जिसमें मन स्थिर नहीं रह सकता? जी, अच्छा, डेथ इन अ फैमिली, डेथ इन अ फैमिली जीवन की शायद सबसे सबसे बड़ी परिस्थिति, डेथ इन अ फैमिली, इलनेस इन अ फैमिली बड़ी परिस्थिति। ये हैं बड़ी परिस्थितियां। बड़ी परिस्थितियां जीवन में कब आती है? कभी कभी। देखो अगला फोन बजा। बड़ी बड़ी परिस्थितियां जीवन में कभी कभी आती है। बड़ी परिस्थिति में स्टेबल रहने के लिए हमें अपनी एनर्जी जीवन की ये छोटी छोटी परिस्थितियों में क्या करनी होती है? सेव। आदत पड़ जाएगी। जब छोटी 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 बातों में मन स्थिर रहेगा, मन को स्थिर रहने की आदत पड़ जाएगी, फिर जब बड़ी बात आएगी तो स्थिर रहना नॉर्मल होगा। दैट्स वेयर नॉर्मल विल चेंज।